नमस्कार, मैं आशीष पाठक आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार परीक्षा प्लस में। ईएमआरएस से रिलेटेड एक नई खबर आ रही है आप सभी से कि जो बच्चे ईएमआरएस में किसी भी वजह से कोई गलती किए हैं फॉर्म में, तो घबराइए मत कि आप सोच रहे हो कि मेरा फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा चाहे कुछ भी हो जाएगा, तो उसके लिए ईएमआरएस की वेबसाइट पर अपडेट डाल दी गई है, तो निश्चिंत रहिएगा। बस हाँ, ये ध्यान रखिएगा कि आप लोग जब करेक्शन स्टार्ट हो तो आप अपनी गलतियों को सुधार लीजिएगा। अगर करेक्शन के बाद भी आप अपनी गलतियों को नहीं सुधारते हैं तो फिर आपके लिए समस्या हो सकती है, क्योंकि आपकी फॉर्म में साफ साफ लिखा था तो किसी भी प्रकार का कोई भी मिस्टेक अगर आपके फॉर्म में है तो एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। तो अगर करेक्शन विंडो खुल रही है फॉर्म की तो आप सभी लोग सचेत हो जाइए और इसे करेक्शन करने के बजाय भी कोई भी ऐसी गलती ना रहे आपके फॉर्म में जिससे आपको पछतावा हो आगे चल के कि हमने ये गलती कर दिया। और करेक्शन अपने खुद बैठ कर साइबर कैफे में आपने फॉर्म भरवाया है, इससे सबसे ज्यादा गलतियां उन्हीं बच्चों से हुई है फॉर्म में। काफी बच्चे फोन करके पूछ रहे थे कि सर फॉर्म में ये गलती हो गई वो गलती हो गई कैसे सही होगा। ठीक है, तो ये साइबर कैफे के ऊपर जो आप लोग दे देते हो ना कि आप मेरा फॉर्म भर दो, तो उसको क्या है, उसको पैसा मिल रहा है, वो कुछ भी भर देता है उल्टा सीधा। किसी के मार्क्स उल्टा भर दिया है, किसी के परसेंटेज किसी का मेल फीमेल बना दिया है, जेंडर ही चेंज कर दिया है। तो ये सब जो गलतियां हैं ये बहुत ब्लंडर मिस्टेक है आप सभी के, नाम में चेंजेस हो जाते हैं, तो ये आप सुधार लीजिएगा, नहीं तो बहुत पछतावा पड़ेगा आप सभी को, क्योंकि साफ साफ लिखा था, चेतावनी भी दिया गया था फॉर्म में कि किसी भी प्रकार की कोई गलती नहीं होनी चाहिए फॉर्म में। तो चलिए, जो बच्चे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। करेक्शन आपका जो है फॉर्म का वो कब खुलने वाला है, आप लोग रेगुलर वेबसाइट को चेक करते रहिए। बोला गया है यहां पर साफ साफ, आप देख रहे होंगे कि यहां पर बोला है कि करेक्शन विंडो ऑफ ईएसएससी 2023 शैल बी ओपन इन द नेक्स्ट वीक, मतलब अगले सप्ताह में। अगले सप्ताह में मतलब मंडे से हो सकता है आपका करेक्शन जो है स्टार्ट हो जाए, मंडे से अगले सप्ताह में, मंडे से, क्योंकि आज आज तो लास्ट है संडे, उसके बाद से मंडे से आपका करेक्शन विंडो हो सकता है कि खुल जाए, मतलब अगले सप्ताह में आपका करेक्शन हो जाएगा। मंडे को नहीं हुआ तो ट्यूसडे से हो जाएगा, वेडनेसडे से हो जाएगा। तो आप मंडे से लगातार वेबसाइट पर विजिट करते रहिएगा ईएमआरएस का। ईएमआरएस की वेबसाइट ही कई लोगों को पता नहीं है, emrs.tribal.gov.in, इस पर जब आएंगे तो आपको पूरा ये दिखाई देगा। ठीक है, तो आप निश्चिंत हो जाइए अगर आपने कोई भी गलती किया है। ठीक है, आपके फॉर्म में कोई भी मिस्टेक है आपका, चाहे वो डीओबी से लेकर हो, चाहे आपका मार्क्स हो। काफी बच्चे ने फोन करके बोला कि सर मेरे मार्क्स जो है साइबर कैफे वालों ने गलत अपडेट कर दिया है, मैं इतने में इतना पाया हूं तो उसको उल्टा कर दिया गया है। ठीक है, किसी के फादर्स नेम में मिस्टेक हो गया है, मदर्स नेम में मिस्टेक हो गया है, तो जो भी आपके मिस्टेक हैं वो आप सभी इसको सही कर लीजिएगा। फोटो क्लियर नहीं है तो फोटो सही कर लीजिएगा, सिग्नेचर क्लियर नहीं है, इन सब चीजों को ध्यान रखिएगा। बहुत सही से आप अपने फॉर्म को करेक्ट करिएगा। और अगर आप साइबर कैफे में जाके करेक्शन कराते हैं तो वहां खुद बैठकर एक एक डिटेल देखकर आप करेक्ट कराइएगा। फिर बाद में आप बोलते हो कि सर ऐसा हो गया इसका कोई उपाय है, तो इसका कोई उपाय नहीं जब आपसे साफ साफ बोल दिया गया है। उपाय तो है लेकिन वो कंसीडर हर भर्ती में किया जाता है नहीं किया जाता है, वो भर्ती बोर्ड पर डिपेंड करता है। ठीक है, कोई जरूरी नहीं, जब आपको करेक्शन दे रहा है तो आप करेक्शन करिए जहां जो भी आपने गलतियां किए हैं। तो अगले सप्ताह में आपके करेक्शन फॉर्म के स्टार्ट हो जाएंगे, तो जो लोग फॉर्म भरे हैं कोई गलतियां हैं वो जरूर अपने गलतियों को सही कर लेंगे। जो बच्चे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जिन्हें भी परीक्षा प्लस ऐप से ईएमआरएस से रिलेटेड अगर आपको तैयारी करना है, चाहे वार्डन का हो, चाहे जेएसए का हो, चाहे आपका लैब अटेंडेंट का हो, वो परीक्षा प्लस ऐप से ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे यहाँ जो है वार्डन का, जेएसए का और लैब अटेंडेंट का बैच जो है चालू हो चुका है। इसमें बच्चे जो जिन्हें भी आपको तैयारी करना है, मटेरियल लेना है, तो वीडियो क्लास के साथ साथ हम नोट्स भी प्रोवाइड कर रहे हैं, और जल्द ही इसमें सेक्शनल टेस्ट भी आपके अगले सप्ताह से स्टार्ट हो जाएंगे। तो चलिए, मैं इसी के साथ आप सभी से विदा लेता हूं, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कोई दिक्कत कोई समस्या होगी तो आप जरूर कमेंट में बताइएगा। तो चलिए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।